देखो अभी हमारा पानी पूरी फ्राई होना शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम जबरदस्त। और आप लोग अगर सोच भी रहे हैं ना तो ये वीडियो बहुत खास और बहुत जबरदस्त होगा। देखो ये हमारा पानी पूरी, इधर ये हमारा पेटी खाली पड़ा है, इधर देखो ये पेटी हमारा खाली पड़ा है। उसके बाद ये भरने के बाद भी हमारा पानी पूरी बचेगा अभी थोड़ा। दोस्तों ये देखो अभी जो मैं आटा लगाया था आप लोगों के सामने, ये देखो इसका आवाज सुनो है ना कुछ काम का। ये देखो, ये देखो, देखो एकदम क्रिस्पी करंची जबरदस्त। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप लोग देखेंगे आज के वीडियो में, मैं ऐसी चार सीक्रेट बात बताऊंगा ना कि ऐसा एकदम कोई गोलगप्पे वाला नहीं बताया होगा। चार सीक्रेट ऐसी चीज बताऊंगा कि आप लोग कैसा भी बनाएंगे कितना भी लापरवाही से। दोस्तों जो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा ऐसी चार ऐसी सीक्रेट बात ना कोई गोलगप्पे वाला कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं ऐसा पानी पूरी गोलगप्पा पुचका पानी पतासा बनाना ना ऐसा, तो एकदम ऐसा ही बनेगा, एकदम जबरदस्त एकदम क्रिस्पी करंची। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा कैसा बना है आप लोगों के सामने ऑल टोटल। और इसमें मैं चारों ऐसी सीक्रेट जो भी है, आप लोग सोचते हैं सीक्रेट बात नहीं बताते, तो आज चार सीक्रेट बताऊंगा बिल्कुल आसान और बहुत बेहद ही आसान। चलो शुरू करता हूँ मैं बनाना। देखो जो गोलगप्पा हम आज बनाएंगे ना, सिर्फ आधा कटोरा सूजी है आज हमारा, और आधा कटोरा सूजी में बनाऊंगा ढेर सारे गोलगप्पे एकदम जबरदस्त एकदम क्रिस्पी करंची। आप लोग ये वीडियो देखेंगे ना तो आपका भी मेरे जैसा एकदम जबरदस्त बनेगा, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम जबरदस्त। चलो देखो ये आधा कटोरा हमारा नॉर्मल सूजी है। सबसे पहले आप लोग देख लो सूजी, ये सिर्फ हमारा नॉर्मल सूजी, और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अपना गेहूं का आटा, बिल्कुल हल्का सा 50 ग्राम करीब सिर्फ हम डालेंगे इसमें गेहूं का आटा। उसके बाद ये आ गया 50 ग्राम गेहूं का आटा। उसके बाद हम डालेंगे 1 ग्राम खाने का सोडा, ये अब डालेंगे इसमें हम खाने का सोडा। बिल्कुल एकदम बाजार जैसा, अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि बाजार में मिलता जैसा वैसा एकदम परफेक्ट वैसा ही बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत खास और बहुत जबरदस्त होगा। देखो अब इसको लेने के बाद हम इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम ये हिसाब से मिक्स करने के बाद ये हिसाब से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा हर चीज जो है मिक्स हो जाए एकदम। और इधर देखो ये हमारा पानी पूरी अभी बेला भी जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो बनाने के लिए बनाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे शेर लगे पड़े हैं अभी, इधर बेल रहे हैं। और इधर देखो स्पेशल मैं आप लोगों को सिर्फ बताने और सिखाने के लिए बनाने जा रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से आप लोग सीख पाओ घर बैठे एकदम जबरदस्त मेरे जैसा। अगर सोच रहे हैं पानी पूरी वाले जैसा बनाना तो आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। देखो अब हम इसको बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा लेंगे, ये हिसाब से हम इसका आटा लगा लेंगे। और इधर जो है आप लोग देखो इधर गोल गोल बेला जा रहा है अभी, गोल गोल ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बनाता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को मैं बता दूं ये हमारा पूरा पानी पूरी का ही काम है। मैं आप लोगों को शुरू से आखिरी तक दिखाऊंगा, उसके बाद जब हम लोग फ्राई करते हैं वो भी दिखाऊंगा कि मतलब हाँ सही है कि गलत है, जब फिर पता चलेगा असली नकली सब। देखो अब ये हिसाब से बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से आटा लगा लेंगे हम ये। अब देखो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, उसके बाद ये हिसाब से आटा लगा लेना है बिल्कुल ध्यान से। और एक चीज मैं और कंफर्म कर दूं, कभी भी आप लोग जब इसका आटा लगाओ या पानी पूरी गोलगप्पा बनाओ तो जहां कोशिश करो हवा बिल्कुल ना लगे। अगर हवा लगेगा तो बिल्कुल एकदम समझ जाओ खराब होने के 100% चांस रहते हैं। और मैं आप लोगों को दिखा दूं, देखो ये हमारा दरवाजा, जबकि इधर से हवा नहीं आएगा फिर भी एक दरवाजा बंद है। और ये हमारा जो भी है छोटा मोटा खिड़की ये भी बंद है। और उसके बाद इधर का देखो ये भी खिड़की पूरा पैक चारों तरफ से पाएगी, अंदर रूम से आता है ये, इसका कोई मतलब ही नहीं हवा का। इसलिए मैं कहता हूँ जब बनाओ जहाँ तहाँ बिल्कुल हवा ना रहे, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना। अब देखो हमारा आटा लगाने का तरीका ये कैसा है आप लोग देख सकते हैं। जब तक अच्छे से आप लोग समझेंगे नहीं बनाएंगे नहीं जब तक कुछ नहीं होगा। ये हिसाब से ये देखो ये हमारा आटा लगाने का तरीका कुछ ऐसा है। अब ये हो गया हमारा आटा लग के रेडी। और एक चीज़ और, कभी भी इसका जब आटा लगाओ ना बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से लगाओ
ताकि ना ज्यादा नरम हो ना ज्यादा टाइट हो। अब ये हो गया हमारा लगाने के बाद रेडी। अब ये हो गया हमारा रेडी। अब इसको हम थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद फिर इसको बनाएंगे पेड़े। अभी तुरंत नहीं बनाना, एक बात का बिल्कुल ध्यान देना, कभी भी इसको छोड़ देना है थोड़ी देर, ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए, उसके बाद ही इसका पेड़ा बनाना है। अब देखो ये हमारा थोड़ा देर रखने के बाद अब इसको हम निकालेंगे बाहर, और उसके बाद निकाल के हम थोड़ा सा हल्का सा इसको हम 1 से 1.5 मिनट इसको सिर्फ थोड़ा सा मसलेंगे, बस बिल्कुल हल्का सा, कि ताकि सिर्फ हमारा आटा जो भी है ना अच्छा साफ हो जाए, और कुछ नहीं ज़्यादा तामझाम करना है। ये नहीं कि बहुत लोग सोचते होंगे कि मतलब इसको खूब ज़्यादा देर तक मसलना है, बहुत मेहनत से मसलना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप लोगों को बिल्कुल एकदम हल्का सा 1 से 1.5 मिनट मसल देंगे तो आपका एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। देखो अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, 41 सेकंड बस, सब मिला के बोल खोलने में बेल वो मसलने में सब मिला के 46-50 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं है। अब हम ये हो गया हमारा मसल के रेडी, थोड़ा सा लंबा किए, उसके बाद अब हम बना लेंगे इसका पेड़ा। ये अब पेड़ा कैसा बनाना है, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त आसान तरीका, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये हिसाब से अगर बनाएंगे ना, जो मैं बता रहा हूँ आज, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, ये बिल्कुल मेरे जैसा एकदम परफेक्ट। ये देखो ये हो गया, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम काट लेंगे 4-5 टुकड़े में, ताकि बिल्कुल आसान हो जाए। ये हो गया देखो कटिंग। अब इसके बाद अब इसको हम निकाल लेंगे ऐसा, फिर से कैरी बैग के अंदर रखेंगे ताकि ये सूखे ना। ये हिसाब से देखो इसको रख लिए, उसके बाद अब इसका बनाएंगे हम पेड़ा। आ गया देखो, सीधा कर लेंगे अपना, और यहाँ पेड़ा बनाने के बाद वापस फिर यहाँ पन्नी में ही पॉलीथीन में कैरी बैग के अंदर ही रखना। देखो कभी भी इसको बाहर नहीं रखना कि हवा थोड़ा भी, अगर हवा लगा तो समझ जाओ तुरंत ख़राब हो जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कभी भी कि ये सूखे ना। और ये देखो पेड़ा बनाने का तरीका, ये है हमारा पेड़ा बनाने का तरीका। आप लोग इसका साइज भी देख सकते हैं, ये हिसाब से अगर आप लोग बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल मेरे जैसा एकदम ज़बरदस्त परफेक्ट बनेगा। अब हम पहले काट लेते हैं, काटने के बाद इसके अंदर क्या मिलाना है पूरा आल टोटल बताऊंगा आज के वीडियो में, बहुत ही आसान तरीका। अब देखो ये हमारा पेड़ा बनके एकदम हमारा गोली जो बना है ये बनके हो गया रेडी एकदम परफेक्ट, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ये हमारा गेहूँ का आटा, आप लोग देख सकते हैं ये गेहूं का आटा है हमारा। उसके बाद हम यही गेहूं का आटा इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा देखो ये ले लिए, उसके बाद ये हिसाब से मार देंगे थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा, और ये हिसाब से देखो ये हल्के हल्के हाथों से ऐसा मिला देना है, ये हिसाब से हल्के हल्के हाथों से मिला देंगे, ताकि ये हमारा जो है गोली गोल भी हो जाएगा और एक दूसरे में चिपकेगा भी नहीं एकदम अच्छा, इसलिए हम लोग ऐसा मिलाते हैं। अब मिलाने के बाद इसको हम निकाल लेंगे वापस, बेलने के लिए हो जाएगा हमारा रेडी। ये देखो ये हो गया हमारा एकदम परफेक्ट बेलने के लिए रेडी। और इसको कितना देर भी रखेंगे, 1 घंटा आधा घंटा, तो कुछ नहीं होगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं चिपकेगा, पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। उसके बाद अब हम बेलेंगे कैसा वो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये हम लोग बेलते कैसा है देखो, ये हमारा बेलने का तरीका आप लोग देख लो। ये अगर आप लोग ये हिसाब से अगर देखो, अगर अच्छे से आप लोग आटा लगा लिए ना बिल्कुल बढ़िया से, तो आपका आटा अच्छे से लगने के बाद उसको टाइम टू टाइम अच्छे से ध्यान से अगर बढ़िया से ध्यान से देख के अच्छे से अगर हर चीज़ आटा लगाने से लेके उसको टाइम पे निकाल के मसल लेना है, मसलने के बाद उसको अच्छे से एक साइज का पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद फिर आती है बारी ये बेलने की, और अगर आप लोग अच्छे से एक साइज का ऐसा देखो, आप लोग एक साइज का ऐसा बेल लिए ना गोल गोल, तो आपका बिल्कुल ऐसा ही बनेगा एकदम ज़बरदस्त। मैं अभी फ्राई करूँगा वो भी दिखाऊँगा आप लोगों को, इसलिए मैं कहता हूँ जब तक अच्छे से
आटा लगा लो, अच्छे से पेड़ा बना लो, उसके बाद अच्छे से बेल लो ध्यान से। थोड़ा टाइम लगे तो लगे, टाइम जाएगा, लेकिन आपका पानी पूरी एकदम परफेक्ट बनेगा। उसके बाद टाइम पे इसको फ्राई कर लो। सिर्फ ये चार चीज़ों का ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। और हकीकत में ये चार चीज़ अगर अच्छे से ध्यान से कर लिए तो आपका गोलगप्पा बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये समझ जाओ। अब चलो मैं आप लोगों को अब फ्राई करूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा पूरा ऑल टोटल, ताकि आप लोगों को हर चीज़ पता चले, घर बैठे सीख पाए। जो भी मेरे भाई, मेरे यार, मेरे माताएं बहनें, अगर आप लोग सोच रहे हैं गोलगप्पा बनाने का, तो बहुत ही सरल और बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगा, और कमेंट में बताना कैसा बना है, कैसा नहीं बना है। आप लोग देख सकते हैं पूरा, देखो अब जो मैं आटा लगाया था, अब देखो हमारा पानी पूरी, अब देखो कैसा फ्राई हो रहा है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास जबरदस्त, ये आप लोगों के सामने है। ये हिसाब से अगर आप लोग कभी भी बनाएंगे, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त और फर्स्ट क्लास। और ये हमारा जो मैं बेल के रखा था, देखो ये साइज़ देख लो आप लोग, ये साइज़ कैसा है। और सिर्फ यहाँ से उठा के ऐसा सीधा फेंक देना है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं। आप लोग सोचते होंगे कुछ करना है, तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से उठाओ और वहाँ सीधा ऐसा फेंक दो। मैं थोड़ा पीछे से दिखाऊँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो सिर्फ ऐसा उठा ले, उठा के सिर्फ कढ़ाई के अंदर कैसा भी फेंक दो बस। जब ये हिसाब से आप लोग फ्राई करेंगे तो आपका बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त और क्रिस्पी करंची बनेगा। और यहाँ देखो ये जो फ्राई हमारा फ्राई होके आ रहा है, ये देखो ये है हमारा, जबकि गर्म है अभी। देखो ये इसका देखो, ये हिसाब से जबकि गर्म है अभी, पूरा गर्म 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 आ रहा है, फिर भी इतना क्रिस्पी करंची है। अगर आप लोग सोच भी रहे हैं तो ये वीडियो बहुत खास और बहुत ज़बरदस्त होगा आप लोगों के लिए। अगर ये तरीके से आप लोग एक बार बनाएंगे ना, तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त और परफेक्ट ही बनेगा, एकदम ज़बरदस्त। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।